नमस्ते दोस्तों, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक शोध किया और उस शोध में निकल के आया कि सितावर खिलाने से हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और दूध का उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा, हमारे पशुओं की जो सबसे गंभीर समस्या है थनेला रोग, उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, मेरे पास एक न्यूज पेपर है 17 दिसंबर का, दैनिक भास्कर न्यूज पेपर के अंदर ये खबर लगी हुई है। हिसार के कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया है और उस शोध में पाया है कि सितावर हमारे पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले तो मैं उन वैज्ञानिकों का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जड़ी बूटियों का शोध कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे आप जड़ी बूटियों का शोध कार्य करेंगे, हमारे हिंदुस्तान के लाखों किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं पिछले 20 सालों से जड़ी बूटियों पर काम कर रहा हूँ। हल्दी, आंवला, सितावर, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां हमारी गाय भैंसों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दूध का उत्पादन भी बढ़ेगी, हमारे पशुओं की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, हमारे पशु किसी भी तरह से कोई भी बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। जैसे जैसे आप इन जड़ी बूटियों पे शोध करेंगे, हिंदुस्तान के लाखों किसानों को फायदा होगा। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि इस सितावर का प्रयोग मैं कब से कर रहा हूं। दोस्तों, इस सितावर का प्रयोग मैं लगभग 20 सालों से कर रहा हूं। 2003 में जब मैंने इस चिकित्सा की शुरुआत की थी तो हमारे क्षेत्र में कोई नहीं जानता था कि जड़ी बूटियों से भी पशु ठीक हो सकते हैं। मैंने जड़ी बूटियों का प्रयोग किसानों के साथ करना शुरू किया और बड़े अच्छे रिजल्ट आने लगे। पशुओं की जितनी भी बीमारियां हैं, पशु को थैलेना रोग है, पशु का दूध का उत्पादन नहीं बढ़ रहा, पशु फूल प्रोलैप्स दिखा रहा है, पशु रिपीट हो रहा है, पशु के लीवर में समस्या है, या आप कहिए कि पशु को किसी भी तरह की समस्या है, सभी समस्याओं का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा हमने किया और बहुत ही अच्छे सराहनीय रिजल्ट आए और किसी भी तरह की कोई भी इन जड़ी बूटियों की चिकित्सा में साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद किसानों ने मेरे को कहा कि विक्की भाई, आपके प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, आपकी जड़ी बूटियों की चिकित्सा हम यूज करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम हमारे पशुओं को जो पशु आहार खिलाते हैं, जो फीड दाना खिलाते हैं, उसमें हमें बड़ी समस्या होती है। उस फीड में तरह तरह के केमिकलों की वजह से हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन भी प्रभावित होता है और सबसे बड़ी और गंभीर समस्या, हमारे पशु समय पर प्रेग्नेंट नहीं होते। प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो बार बार रिपीट हो जाते हैं। इसके लिए आप कुछ कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों की सलाह से और कुछ फूड एक्सपर्ट डॉक्टरों को लेकर हमने एक फीड तैयार किया, पशु रतन फीड, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। दोस्तों, इस फीड के अंदर हमने कुछ विशेष जड़ी बूटियां मिलाई, जैसे हल्दी, आंवला और सितावर जैसी महान औषधियां, जिनसे हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन भी बढ़ा, जिनसे हमारे पशुओं की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ी, जिससे हमारे पशुओं ने लंबे समय तक दूध देना शुरू किया और सबसे बड़ी समस्या, हमारे पशु जो बार बार रिपीट होते थे, समय पर प्रेग्नेंट नहीं होते थे, वो सभी इसी एक फीड से ही ठीक हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप पशुपालन का कार्य करते हैं तो एक बार आप मेरी पशु रतन फीड अपने पशुओं पर जरूर खिलाएं। पशु रतन फीड के अंदर कुछ विशेष जड़ी बूटियां हैं, चना है, सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, मक्का है और बिनोले की खल भी है, ताकि आपके पशुओं का दूध का उत्पादन भी बढ़े और दूध में वसा फैट की मात्रा भी बढ़े। आप जब भी अपने पशुओं को अच्छी क्वालिटी की फीड खिलाएंगे, फीड का मैनेजमेंट ठीक सुचारू रूप से करेंगे, तो पशुपालन के कार्य में आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। ये बात मैं आपको सिर्फ कह ही नहीं रहा हूं, इस बात की मैंने प्रैक्टिकल पिछले 20 सालों से की है, क्योंकि पशुओं को सबसे जरूरी है अच्छी क्वालिटी की फीड। आप बिना केमिकल की, जिसके अंदर केमिकल यूरिया ना हो, वो फीड आप अपने पशुओं को खिला के देखिए, आपके पशु समय पे प्रेग्नेंट होंगे, रिपीट नहीं होंगे और आपके पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अच्छी क्वालिटी की पशु रतन फीड, जिसके ऊपर मेरी फोटो है, याद रहे एक और विशेष बात, कुछ नकलची बंदरों ने आपकी फीड की क्वालिटी देख के, आपकी फीड आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, और कुछ नकलची बंदरों ने आपकी फीड की सेम कॉपी डुप्लीकेट सी तैयार कर दी। अरे मेरे भाई, डुप्लीकेट सी लोग ज्यादा दूर तक नहीं जाते। आपको याद रखना है कि विक्की भाई की जो फीड है उसके ऊपर मेरी फोटो छपी हुई है, ऐसी की ऐसी सेम हूबहू फीड बाजार में नकलची बंदरों ने तैयार कर दी है, आप इस बात का ध्यान रखिए। तो पशु रतन फीड जो जड़ी बूटियों युक्त है, जिस जड़ी बूटी के बारे में वैज्ञानिकों ने शोध किया है, वो इसके अंदर हमने डाला हुआ है। इसका प्रयोग आप कीजिए, आपके पशु स्वस्थ हो जाएंगे, दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। हरियाणा के अंदर तो हमने लगभग पूरे हरियाणा में ही इसको उपलब्ध करवाया गया है। अगर आपके क्षेत्र में कहीं नहीं मिलती, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, आप कहीं भी नहीं है, आपके क्षेत्र में नहीं मिलती, तो आपके आसपास जो फीड के डीलर है ना, उनको आप बोलिए कि विक्की भाई की फीड आप लोगों को मंगा के दे। आप अगर एक बार मेरी फीड खिला लेंगे ना, तो आप कहेंगे कि विक्की भाई, रियल में आज से पहले हमें इतनी उच्च क्वालिटी की फीड कभी अपने जानवरों के लिए मिली नहीं। तो एक बार ये फीड आप जरूर खिलाएं और वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हिंदुस्तान के सभी किसान भाइयों को पता लगे कि वैज्ञानिकों द्वारा शोध
की गई सितावर हमारे पशुओं के लिए वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद।